हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ निरंकारी सरोवर दिखाने, जो कि डीडीए ग्राउंड बुरारी के जस्ट सामने बना हुआ है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को निरंकारी सरोवर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, अंदर आप क्या क्या चीजें देख पाओगे, आप यहाँ तक अपने खुद की गाड़ी से कैसे आ सकते हो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरोवर परिसर समय सारणी यहाँ पे दिया हुआ है। एंट्री इस तरह का बनाया हुआ है, होली दिव्य स्नान इस तरह का बनाया हुआ है, और जर्नी डिवाइन इस तरह का बनाया हुआ है, फाउंटेन ऑफ वननेस इस तरह का बनाया हुआ है। बाकी यहाँ का टाइमिंग आप देख सकते हो, मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये पार्क सुबह 5:30 बजे खुल जाता है और शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है, और नवंबर से फरवरी तक ये पार्क सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। बाकी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यहाँ पे आप फाउंटेन शो भी देख पाओगे। मार्च से अक्टूबर तक इसका टाइमिंग 7 बजे रहता है, नवंबर से फरवरी तक इसका फाउंटेन का टाइमिंग 6 बजे रहता है। यहाँ तक आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन मंजिलिस पार्क का होगा, फिर वहाँ से आपको ई रिक्शा लेके यहाँ तक आना। इस पार्क के अंदर आने के लिए कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। यह मेन गेट यहाँ का, और इस तरफ है पार्किंग, ये रहेगा यहाँ का पार्किंग एरिया, और पार्किंग टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए फ्री रहेगा। और इस तरफ थोड़ा आगे सामने की तरफ जाओगे तो आपको बहुत बड़ा पार्क दिखेगा इस तरफ, और यहाँ से आप जाओगे तो इस तरफ आपको म्यूजियम दिखेगा। दोस्तों सामने रहेगा मेन एंट्रेंस और उसी के सामने है डीडी ग्राउंड बुरारी का। यहाँ का गूगल मैप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्क के अंदर आने के बाद आप इधर लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे, थोड़ा सा आगे ही वो पार्किंग आपको दिख जाएगा, और इस तरफ फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का फाउंटेन एरिया दिखा देता हूँ। दोस्तों बैठने के लिए इस तरह के बेंचेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, चलने के लिए बहुत चौड़े रास्ते आपको दिख जाएंगे, बहुत लंबा यहाँ गेट से निकल के बहुत चौड़ा रास्ता आपको दिख जाएगा। फिर अंदर आने के बाद आपको इस तरह का गार्डन दिखेगा दोनों तरफ रास्ते के। ये देखो भाई कितना सुंदर पार्क है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क है और बहुत बड़ा भी है। बहुत सारे फैमिली आए हुए हैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे। अंदर आने के बाद इस तरफ आप देखोगे लेज़र लाइट शो यहीं पर कंडक्ट करा जाता है, फ्राइडे सैटरडे और संडे तीन। दोस्तों हम लोग फाउंटेन के पास आ गए हैं, अभी फाउंटेन चल नहीं रहा है, लेकिन ये जगह देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह बहुत ज़्यादा सुंदर, सोचो अब जिस समय फाउंटेन स्टार्ट हो जाएगा ये जगह क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ओ भाई इसमें तो लोटस भी है, तो गाइस मैं इसमें लोटस दिखाता हूँ आपको। देखो इसके अंदर ना लोटस भी है, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं लोटस। ऊपर जा रहे हैं, आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। दोस्तों अभी मैं जहाँ पे आपको लेकर आ गया हूँ, इस जगह को फाउंटेन ऑफ वननेस एकता का फव्वारा कहा जाता है, और इस जगह पे हर फ्राइडे सैटरडे और संडे को शाम के 7 बजे के बाद लेजर लाइट शो भी चलता है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है, जिसको देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये पार्क फाउंटेन ऑफ वननेस की वजह से ही ज्यादा फेमस है। बाकी दोस्तों ये जो एरिया बनाया हुआ है आप इसके ऊपर चल फिर सकते हो, बैठ सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। दिन में यहाँ पे चल फिरना बैठना मना नहीं है, लेकिन जब फाउंटेन शो स्टार्ट हो जाता है तब यहाँ से सबको नीचे उतार दिया जाता है। फाउंटेन ऑफ वननेस तो बहुत ज्यादा सुंदर बनाया हुआ है, और इसके नीचे जो लोटस आपको देखेंगे वो इस जगह को 4 चांद लगा देती है। फाउंटेन ऑफ वननेस के बीचों बीच में पृथ्वी जैसा एक आकृति बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, और लोग इसके साथ आके फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर पार्क में आप अपने बच्चे या फिर फैमिली के साथ नहीं जा सकते कपल्स की वजह से, लेकिन इस पार्क में आप अपने फैमिली या फिर बच्चों को लेकर आ सकते हो। बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पे देखो कितने सारे पक्षी आए, ऊपर बैठे हैं सारे के सारे। यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। अलग अलग कैरिया बनाया हुआ है, देखो इस तरफ एक कैरिया बनाया हुआ है, इस तरफ मतलब अलग अलग डिवाइड करा हुआ है। ये देखो इस तरफ ना इस तरह के खम्भे बने हुए हैं बहुत सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये जगह। तो फोटोग्राफी वगैरह करना है तो आप इस एरिया में आगे कर सकते हो। ये देखो जैसे सामने की तरफ जाओगे ना यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। ये वही वाला रोड है जहाँ से एंट्री है ना, वही वाला रोड है, और ये यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। आगे की तरफ जाओगे तो आगे भी बहुत सारे बेंचेस वगैरह आपको दिख जाएंगे, और सेम इस तरह के ना जैसे यहाँ पे बहुत सारे खंभे टाइप के बने हुए हैं, वो सामने भी आपको सेम इसी तरह के खंभे वगैरह दिख जाएंगे। देखो कितने सारे पक्षी आए, ये देखो भाई कितने सारे पक्षी आए। कैरी बनाया गया पार्क के अंदर, एक कैरी है, एक सामने, एक आगे है, इस तरफ एक कैरी है। बाकी यहाँ पे आपको अर्थ वगैरह ये दिख जाएगा, फाउंटेन एरिया। आगे की तरफ जाके आगे भी दिखा दें आगे और क्या क्या है देखने के लिए। और ये अलग टाइप का लोटस है, देखो कलर भी इसका अलग है, बहुत सारे लोटस खिले हैं इसके अंदर। बाकी ये देखो पार्क इस तरह का रहेगा,
बैठने के लिए तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हो। इतने सारे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं और इस तरह के डिज़ाइन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो इधर भी आप बैठ सकते हो, उधर भी बैठ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल इधर उतारें, तो जूते चप्पल रखने के लिए ये है एरिया, जूते चप्पल उतार के आगे जा सकते हो आप। तो ये जूते चप्पल जमा करने का काउंटर है। इस तरफ है सरोवर, अगर आपको सरोवर में जाना है तो आपको जूते चप्पल यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। ये इस तरफ रहेगा सरोवर, ये सरोवर का एरिया बनाया हुआ है, इसके अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत बड़ा सरोवर है इसके पीछे, गूगल मैप में दिखता है। तो आप यहाँ पे आते हो तो गूगल मैप में देख लेना, सरोवर इसके अंदर बनाया हुआ है। बाकी इस तरफ रहेगा बहुत बड़ा पार्क, आप गूगल मैप में देखते हो ना, तो ये कुछ इस तरह का रहेगा जो स्क्रीन में मैं लगा रहा हूँ। बाकी अंदर जाके सरोवर में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। बाकी फैमिली के साथ घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह ये, फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे कपल्स वगैरह भी आपको ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हर जगह गार्ड है, कोई अगर इस तरह कुछ भी अगर गलत कुछ हरकतें करने लगता है तो यहाँ पे गार्ड आके उनको हटा देते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों इस तरफ का पूरा पार्क मैंने आपको दिखा दिया, हर एक चीज़, उस तरफ सरोवर है, इस तरफ फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है, इस तरह के कैरी बने हुए हैं, इस तरफ भी मतलब बहुत सारे, 4-5 तो, और बीच में बहुत चौड़ा एक रास्ता है, तो इधर से गोल घूमते हुए आप उधर से आ सकते हो। बाकी मैं अब इस तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सनसेट हो रहा है तो बहुत सुंदर। बाकी इस तरफ देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये एरिया ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरफ जो इस तरह के पेड़ लगे हो ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सनसेट हो रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरफ बैठने के लिए भी जगह बनाया हुआ है, तो इस तरफ आप बैठ भी सकते हो, गैलरी, कितने सारे गैलरी हैं देखो। तो ये रहेगा बैठने के लिए जगह, तो आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो। तो दोस्तों पीछे जो इधर सरोवर बनाया हुआ है ना, इनकी इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं था, तो ये पीछे जो दो भैया लोग बैठे हुए हैं इनसे मैंने पूछा, तो ये बता रहे हैं कि अंदर जाने देते हैं, सरोवर में नहाने के लिए जाने देते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी आपका जैसे कपड़े वपड़े हो गए, उसके बाद कैमरा हो गया, ये सारी चीज़ें आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, और नहाने आप जा सकते हो। लड़कियों का अलग, लेडीज़ का अलग बनाया हुआ है, जेंट्स का अलग बनाया हुआ है। बाकी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर एरिया ये, इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा हरियाली है, ये देखो सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरफ आने के बाद ये पार्क कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठने के लिए एरिया बनाया हुआ है, बाकी बहुत बड़ा एरिया ये है, और ट्रेल इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा चलने के लिए। इस तरह का ट्रेल है, इसके अंदर आप योगा करने आ सकते हो, एक्सरसाइज करने आ सकते हो, मेडिटेशन करने आ सकते हो। इधर से मैं आया हूँ, और इस तरह का हट भी बनाया हुआ है यहाँ पे, रेंट शेल्टर टाइप, तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो। पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सप्लोर करने में आपको घंटों लग सकते हैं। और इस तरफ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, मैं आपको बाहर से म्यूज़ियम दिखा देता हूँ, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरह के बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बाकी अभी लाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट होगा ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये इस तरफ है ये म्यूज़ियम, बाकी ये देखो दोस्तों कितना सुंदर एरिया है, शेल्टर है, मतलब अगर बारिश बारिश होता है तो इसके अंदर जाके आप बैठ सकते हो। पार्क के अंदर चलने के लिए ना इस तरह के बहुत सारे ट्रेल मिल जाएंगे कई किलोमीटर्स में, तो इसके अंदर आप दौड़ने के लिए भी आ सकते हो, आसपास के अगर हो तो दौड़ने के लिए भी आ सकते हो, योगा के लिए भी आ सकते हो, मेडिटेशन करने भी आ सकते हो। बाकी ये देखो ये इस तरफ बनाया हुआ है यहाँ का म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के अंदर कोई एंट्री नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, बस इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। इस तरफ जो आप देख रहे हो ना, ये है यहाँ का कैंटीन, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खा पी पाओगे, और इसी के साथ में आपको ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम सब कुछ मिल जाएगा। और निरंकारी पब्लिकेशन सामने है, वहाँ से आप कई सारे बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, ऑडियो गाइड भी है वहाँ पर, ऑडियो भी सुन सकते हो। कैंटीन में खाने पीने के लिए क्या क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हो, स्नैक्स में इतने सारे ऑप्शन होंगे, आइसक्रीम होगा, फ्लेवर्ड मिल्क होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा, बेवरेजेस होगा, जूस होगा, कुछ भी खरीदते हो आप यहाँ पे
ओनली कैश, ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये वेज बर्गर 40 का होगा, पोटैटो चीज टोस्ट यहाँ पे 60 का होगा, वेज सैंडविच 25 का होगा, वेज पिज्ज़ा 70 का होगा, वेज पिज्ज़ा रेगुलर 110 का होगा, आलू पाव भाजी यहाँ पे 50 का होगा, छोले भटूरे 50 का होगा, छोले कुलचे 30 का होगा, गार्लिक ब्रेड 60 का होगा, फ्रेंच फ्राइज 60 का होगा, पनीर पकौड़ा यहाँ पे 35 का होगा, ग्रिल्ड सैंडविच 50 का होगा, स्टफ कुलचा 30 का होगा, मैगी होगा यहाँ पे 45 का, छोले होगा 40 का, बाकी यहाँ पे आइसक्रीम मिल जाएगा 20 रुपये, 35 रुपये और 40 रुपये का, स्वीट लस्सी 30 का होगा, साल्टेड लस्सी होगा 20 का और फ्लेवर मिल्क होगा 25 का। के अंदर इस तरह का सेटिंग एरिया रहेगा कैंटीन में और ये पूरा मेनू रहेगा ऊपर, इतने सारी चीज़ें आप यहाँ पे खा पी सकते हो।